यस एट क्लास कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर में आगे बुजो इज रिमाइंडेड ऑफ डायनासोरस विच बिकेम एग्जिस्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। बुजो ने याद दिलाया डायनासोरस के बारे में जो बहुत लंबे समय पहले यानी बहुत समय पहले विलुप्त हो गया था। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्यों एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस होता है उनके जो नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस होता है उस कारण उनको बचना बहुत मुश्किल होता है। प्रोफेसर एमर टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि इन प्लांट और एनिमल्स को एक सख्त नियमों से बचाया जा सकता है जो सभी नेशनल पार्क्स में लागू किए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग पोचिंग हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल प्लांट इट्स एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड। इन नेशनल पार्क्स में मानवीय जो गतिविधियाँ हैं जैसे जानवरों को चराना पकड़ना शिकार करना एनिमल्स को पकड़ना और जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना मेडिसिनल प्लांट लेना ये सब यहाँ पर प्रतिबंधित होता है अलाउ नहीं होता है। माधव जी टेल्स पहले दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एग्जिंक्ट दैट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने पहले को बताया कि जो छोटे जानवर हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है विलुप्त होने का बड़े जानवरों की तुलना में। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स फ्रॉक्स लिजार्ड्स बैट्स एंड ओल्स रुदरलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। इस समय में हम सांपों को स्नैक्स को फ्रॉक्स को लिजार्ड्स को बैट्स को और ओल्स को मार रहे हैं ये बिना महसूस किए हुए कि इनका इकोसिस्टम में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। उनको मारकर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वे आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनका इकोसिस्टम में जो महत्व है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड क्लोथ चेन्स एंड फूड वेव्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th। वे अपने फूड चैन और फूड वेब का एक पार्ट होते हैं जिसको हमने क्लास 7th में सीखा है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टाज एट्सेट्रा। एक इकोसिस्टम जो होता है उसमें सारे प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है। इसके साथ में उस एरिया में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टाज वो भी शामिल है। इकोसिस्टम में दोनों ही शामिल है लिविंग और नॉन लिविंग। रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को समझाया। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने बताया कि रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी इनडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की जातियों के बारे में लिखा हुआ होता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। रेड डाटा बुक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन की जाती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया भी रेड डाटा बुक मेंटेन करती है जो प्लांट और एनिमल इंडिया में पाए जाते हैं। माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। जो एक्सकर्शन पार्टी है वो गहरे जंगल में अंदर की ओर माधव जी के गाइडेंस में अंदर की ओर पहुँचते हैं। दे सिट
नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स सम टाइम, वो तवा रिजर्वर के पास में कुछ समय रुके ताकि आराम कर सकें। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ देम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, पहले ने रिवर के पास में कुछ बर्ड्स को देखा। माधवजी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माधवजी ने बच्चों को बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बर्ड्स जो है वो संसार के दूसरे भागों से उड़कर यहाँ पर आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो एक विशेष समय में एक बहुत बड़ी दूरी तय करके उड़कर आते हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चैलेंज, मौसम के बदलाव के कारण, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, वो अंडे देते हैं और उस मौसम में जब नेचुरल हैबिटेट जो है वो वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और रहने योग्य नहीं होता है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो बहुत लंबी दूरी तय करके दूसरी जगह पर रहने जाते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। एज पहले लर्न्ड इन क्लास सेवन, जैसा कि पहले ने क्लास सेवन्थ में पढ़ा था। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को डिफॉरेस्टेशन के एक अन्य कारण बताए। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, उन्होंने बताया 17 फुल ग्रोन ट्रीज, पूरे बड़े हुए ट्रीज जो है 1 टन कागज बनाने में, 1 टन पेपर बनाने में काम में आ जाते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज, उन्होंने बताया कि पेपर को जो रिसाइकिल किया जा सकता है 5 to 7 टाइम तक यूज हम उसको रिसाइकिल करके कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, अगर एक विद्यार्थी एक पेपर रोज बचा सकता है तो वह एक साल में बहुत से पेड़ों को बचा सकता है। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल इट, हम इन पेपर को बचा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी, इस तरीके से न केवल हम पेड़ों को बचाते हैं बल्कि एनर्जी भी बचाते हैं एंड वाटर भी बचाते हैं। नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो पेपर को बनाने में काम आता है उस पानी को भी बचा सकते हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, इसके अलावा हार्मफुल केमिकल जो है उसको भी हम बचा सकते हैं, उसको भी हम कमी कर सकते हैं जिसका यूज पेपर बनाने में किया जाता है। अगर हम पेपर बना लेंगे तो केमिकल का यूज भी कम होगा। रिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद ने सलाह दी कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर जो है वो रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है रीस्टॉक करना डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को, यानी जो जंगल नष्ट हो चुके हैं उनको वापस बनाना प्लांटिंग न्यू ट्रीज, वहाँ पर नए पेड़ लगाकर। द प्लांटेड ट्रीज शुड बी जनरली बी ऑफ द सम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द दैट फॉरेस्ट, जो प्लांटेड ट्रीज है उनको सामने से वैसी जातियों के पेड़ वहाँ पर उस जंगल में लगा देने चाहिए, उस फॉरेस्ट में लगा देने चाहिए जिसमें कि पहले जो ट्रीज की जातियाँ वहाँ लगी हुई थी। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, हमें उतने ही पेड़ लगा देने चाहिए जितने कि हमने काटे हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, रिफॉरेस्टेशन जो है नेचुरली भी बंद हो सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट इस्टेब्लिश इट सेल्फ, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया को बिना छेड़छाड़ के छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को वापस स्थापित कर लेता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स,
नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में मनुष्य का कोई भूमिका नहीं होती है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने अभी तक अपने जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, अगर हम भविष्य में अपने जनरेशन को हरा भरा देखना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, केवल यही एक ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे देश में कानून बना हुआ है जंगलों को बचाने के लिए। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट जो है उसको कंजर्व करना, उसको बचाए रखना, और यहाँ के आसपास जंगलों के आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरी चीज़ों की पूर्ति करना, उनको सारे सामान मिल सके। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, माधव जी ने कहा कि कुछ समय आराम के पश्चात बच्चों को वापस अपने घरों की ओर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त के पश्चात सनसेट के बाद रहना सही नहीं है फॉरेस्ट में। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जाते समय प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें इस एक बहुत ही शानदार अनुभव दिया फॉरेस्ट के बारे में।